युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 20 दिसंबर 2019 दिन शुक्रवार, पौष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज नवमी तिथि शाम 7:17 तक रहेगी और उसके पश्चात दशमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:39 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 11:02 से लेकर 12:19 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपकी लव लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और व्यर्थ के वाद विवाद के कारण आज आपका अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज आपको अपने पार्टनर के साथ सोच समझकर ही कोई बात करनी चाहिए और एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते। यदि आपका अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव बना रहता है और आप दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आज कोई सरकारी नियम कानून आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है, जिससे आपका मनोबल भी गिरेगा और मानसिक चिंताएं आपको घेर लेंगी। आज शमशान भूमि के लिए वाटर कूलर या प्याऊ लगवाने से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों, अगर आपकी अपनी कार नहीं है और आप जल्द से जल्द अपने सपनों की कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए
अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय आपकी मन चाहे जीवन साथी प्राप्त करने की मुराद पूरी हो सकती है और एक योग्य जीवन साथी को ढूंढकर आप उनके साथ एक सुखमयी वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। यह उपाय आज हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिनकी शादी की उम्र हो गई है परंतु किसी न किसी कारणवश शादी में अड़चने आ रही हैं और शादी नहीं हो पा रही। आपको केले की जड़ का एक टुकड़ा लेकर इस मंत्र का प्रयोग करके उसे अभिमंत्रित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार प्रयोग करके आप इस केले की जड़ को अभिमंत्रित कर लें और उसके बाद उसका एक ताबीज बनाकर अपने गले में धारण करें। यदि श्रद्धा पूर्वक आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपका एक मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूँ। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो आप? तो दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। गलत जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरु जी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।